प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने कि वह छोटे छोटे संख्या कौन सी होगी जिसे क्रमशः 12, 15, 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष पर बचता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, छोटी छोटी संख्या की बात कर रहा है तो उससे पहले, क्योंकि हमें इस बार अलग अलग रिमाइंडर बचाना है, संख्या तो एक ही मिलेगी लेकिन जब हम उसको भाग देंगे 12 से, 15 से, 16 से, तो फिर वो अलग अलग रिमाइंडर देगी। जब 12 से भाग देंगे तो 7 रिमाइंडर देगी, 15 से रिमाइंडर भाग देंगे तो 10 रिमाइंडर देगी, और 16 से भाग देंगे तो आपको 11 रिमाइंडर देगी। तो वो संख्या कैसे निकालें, तो उसके लिए क्या करना है, देखिए तरीका आपको याद रखना है, 12 में से हमको क्या घटाना है, 12 का 12 को भाग देने पर जो रिमाइंडर आ रहा है यानी 7, तो हम 12 का ये घटाना है तो 5 मिलेगा। उसी प्रकार से जब 15 में से आप 10 को घटाएंगे तो भी आपको 5 मिलेगा, और जब आप इसी प्रकार से 16 में से 11 को घटाएंगे तो भी आपको 5 ही मिलेगा। अभी जो संख्या हमें मिली है 5, तो संख्या जो हमें 5 मिली है इसका क्या करना है भाई, ठीक है, इस 5 को भी साइड में रख लें आप, ये 5 हमारे काम आएगी। अब हम पहले क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि छोटी छोटी संख्या की बात करिए भाई, एलसीएम निकालेंगे सीधे सी बात है। देखिए 2 से 6 बार, ये 15 ऐसे कैसे हो रही है 8 बार, फिर 2 से काट दो जी जो 3 बार, ये 15 ऐसे ऐसे कैसे हो रही है 4 बार, अब तो 3 भी आएगा 4 भी आएगा और ठीक है आपका 5 ही आएगा, ये आप करके देख लें। चलिए नहीं कर देता हूँ कोई बात नहीं, चलिए 2 4 तो कटेगा कटेगा पूरा, चलो 4 तो 4 लिख देते हैं, 3 और 15 ऐसे कैसे हो रही है 1, 3 से काटेंगे तो 1 बार हो गया 5 बार, तो ये आपका 1, फिर 5 से कटेगा फिर से आपका 1 बार। अब इसको करिए जरा, 5 और 20, चलिए 5 और 20, 20 दूनी 40 और 40 दूनी 80, और 80 में जब 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 से 24 यानी 240 के लिए, ये रहो जी ये 240 जो है हमारा एलसीएम आ गया, और 240 हमारा एलसीएम आ गया। क्या करें, कुछ नहीं करना साहब, आप इस 5 जो हमें मिला है ना, इस 5 को इसमें से घटा दो एलसीएम में से, जैसे ही 5 एलसीएम में से घटेगा वो संख्या हमें मिल जाएगी कि जिसको हम 12, 15 और 16 से अगर भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें अलग अलग रिमाइंडर मिलेंगे क्या, 7, 10 और 11, तो हम 5 को इसमें से माइनस कर देते हैं साहब, जैसे 5 को इसमें माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 235, यानी कि 235 वो संख्या होगी जिसे हम 12 से भाग दें, 15 से भाग दें और 16 से भाग दें तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेंगे, 7, 10 और